अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू न्यू उर्दू स्टोरी। सवाल, कुरान में कितनी सब्जियों के नाम हैं? जवाब, 4। साग, ककड़ी, लहसुन, प्याज। सवाल, कुरान हकीम की तफसीर लिखने के लिए 18 आलूम का जानना ज़रूरी है, कौन कौन से? जवाब, इल्मे लुगत, इल्मे सरफ़, इल्मे नहव, इल्मे मानी, इल्मे बयान, इल्मे बदई, इल्मे क़िरात व तजवीद, इल्मे फ़िक़्ह, इल्मे असूल फ़िक़्ह, इल्मे हदीस, इल्मे असूल व हदीस, इल्मे कलाम, इल्मे नासख़ व मनसूख़, इल्मे असबाबुल नज़ूल, इल्मे क़सस, इल्मे तारीख़, इल्मे मुनाज़रा, इल्मे तसव्वुफ़। सवाल, हजाज कराम ईद की नमाज कहाँ अदा करते हैं? जवाब, हजाज कराम ईद की नमाज अदा नहीं करते। सवाल, हज के दौरान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंकरियाँ कौन से सहाबी चुन चुन कर देते थे? जवाब, हज़रत फजल इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल, तारीख ने किन दो शख्सियात को बुत शकिन का ख़िताब दिया है? जवाब, हज़रत सैदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम और महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह। सवाल, रमज़ानुल मुबारक में 29 या 30 रोज़े होते हैं, लेकिन एक साल ऐसा भी गुजरा है जिसमें रमज़ान के 42 रोज़े रखे गए हैं, साल बता दें। जवाब, 1935, क्योंकि इस साल 1 जनवरी को 1 रमज़ान था और कमरी साल छोटा होने की वजह से दिसंबर में फिर आ गया, इस तरह 42 रोज़े रखेंगे। सवाल, दुनिया में सबसे पहले मेहंदी का इस्तेमाल किसने किया था? जवाब, हज़रत सैदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम।